युवाओं के सपनों में शुमार होता है कि वो देश की सेवा करे, सेना में भर्ती हो। ऐसे में अगर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं तो वहां से भी आना लाजमी है। विनोद आप बने रहिएगा, आगे भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे क्योंकि खबर उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी है। भारी बारिश का अलर्ट है जया। बिल्कुल, और उत्तराखंड में मौसम विभाग का अनुमान है कि आगे आने वाले समय में कई इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है, कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू भी हो चुका है। बारिश से चारधाम यात्रा प्रभावित हो रही है। यात्रा पर जो यात्री पहुंच रहे हैं उन्हें परेशानी हो रही है। आपदा प्रबंधन विभाग को सतर्क रहने का निर्देश है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए पर्यटन विभाग भी अलर्ट पर है और पर्यटन विभाग की तरफ से टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। देखिए ये टोल फ्री नंबर क्या है वो भी आपको बता देते हैं। टोल फ्री नंबर 1364 और 0135-255-2627 पर आप कॉल कर सकते हैं और मौसम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जिस भी लोकेशन में आप रहते हैं उसकी जानकारी आप ले सकते हैं कि वहां पर मौसम का हाल क्या है या आने वाले समय में क्या स्थिति रह सकती है। वहीं बद्रीनाथ धाम में बारिश की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यात्री ठंड में तप्त कुंड में स्नान कर भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। यात्री बारिश में रेनकोट और छाता पहन लेकर के ओढ़ करके मंदिर के दर्शन के लिए रुक कर रहे हैं। वहीं चमोली में सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की बात करें तो वहां भी बर्फबारी हुई है और ये बर्फबारी कई तीर्थयात्रियों के लिए सुखद अनुभव भी है, अनुभूति है और इसका लुत्फ उठाते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। चलिए मौसम को लेकर के हम ज्यादा डिटेल हमारे सहयोगी विनोद कुमार से लेंगे, वो मौजूद है देहरादून में, उन्हीं का रुख करेंगे। तो चलिए विनोद का रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। विनोद, मौसम विभाग की ओर से किस तरीके की फोरकास्ट, किस तरीके की चेतावनी दी गई है, कहां कहां के लिए जरा बताइए। सुनीलता, देखिए देहरादून में तो मौसम साफ है लेकिन मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान लगाया गया था वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ था। ऊपरी पहाड़ी जनपदों में लगातार बारिश बनी हुई है और अभी भी चारों धामों की अगर बात करें तो चारों धामों में बारिश और जिस तरह से की संभावना जताई जा रही थी तो बारिश अभी बनी हुई है। और अगर बात करें हेमकुंड साहिब की तो वहाँ पर बारिश के साथ साथ हल्की बर्फबारी भी हुई है। मौसम विभाग की ओर से ये अनुमान जताया गया था कि अगले चार दिनों तक बारिश उत्तराखंड में बनी रहेगी, उसके चलते सावधानी बरतने के निर्देश यहाँ पर दिए गए थे। आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और जो ऊपरी पहाड़ी इलाकों के करीब 165 ऐसे चिन्हित स्थान है जहाँ पर लैंडस्लाइड होने का खतरा मंडराता रहता है तो उन तमाम स्थानों पर टीमें लगाई गई हैं, JCB लगाई गई हैं ताकि कोई ऐसी अगर अप्रिय घटना होती है उस पर जल्द से जल्द मौके पर तमाम टीमें पहुंच जाए। और चारधाम यात्रियों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी नंबर जारी किए गए हैं कि अगर आप उत्तराखंड में चारधाम यात्रा करने आ रहे हैं तो तमाम इन नंबरों को पहले ही मौसम की जानकारी ले लें तभी उत्तराखंड का रुख करें। तो अगले चार दिनों के लिए मौसम ने बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बारिश और निचले जो मैदानी इलाके हैं जिसमें देहरादून है, हरिद्वार है, नैनीताल है, उधमसिंह नगर है, मैदानी जनपद है, इसमें तेज हवाएं चलने के साथ साथ में हल्की बारिश के भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की गई है जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। चिन्हित जो स्थान है जहां पर भूस्खलन का खतरा मंडराता रहता है, तमाम घटनाएं होती हैं वहां पर विशेष चौकसी और निगरानी रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मिलाकर आने वाले समय में बारिश का दौर जारी रहेगा विनोद, और जो भी मौसम विभाग की तरफ से बताया जा रहा है जो जानकारी